अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सा व्लॉग। काफ़ी दिनों से व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना व्लॉग शेयर करूँ। तो ये व्लॉग भी मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन एडिट करने का ही टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो ये है जी खूबसूरत मॉर्निंग, और खूबसूरत मॉर्निंग के साथ व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बाहर के व्यूज़ भी दिखा दिए दोनों तरफ से, छत वाली साइड से भी और टेरेस से भी। और सुबह सुबह का टाइम है और हल्के हल्के बादल भी हैं और सूरज भी निकल आया था। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से व्यू भी शेयर करूँ मॉर्निंग के, और अपनी रूटीन भी शेयर करूँ। और इसलिए मैंने सुबह सुबह से जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना बना लिए थे कि आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो सुबह से मैंने स्टार्ट किया था। जैसे ही मैं उठी, मैंने जो है ना बस कैमरा उठाया और क्लिप जो है ना आपके लिए बनाना स्टार्ट कर दिए कि आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग का आगाज़ है और सूरज जो है वो भी निकल आया है, सूरज की किरणें आपको नज़र आ रही हैं। और उसके बाद जी ईमान को स्कूल भेजने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में जो है ना सुबह सुबह कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो दाल माश भी पड़ी हुई थी और दिल नहीं कर रहा था कि वैसे ही उसे खाया जाए। तो फिर जो है मैंने इसमें प्याज टमाटर डाल के और स्पाइसेस और डाल के उसके अंदर माश की जो दाल कुक की हुई पड़ी थी वो भी डाल दी, और उसको जो है ना एक न्यू लुक दे के। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, साथ में पराठे बनाऊँगी सिंपल से। और नाश्ता करने के बाद बाकी जो घर के काम होते हैं मैं उनमें लग जाऊँगी, लेकिन नाश्ता पहले मैं कर लूँगी और बाहर छत का सारा काम कर लूँगी। और फर्श वगैरह भी धोना था क्योंकि मौसम जो है ना आजकल थोड़ा ख़राब रहता है, हवा चलती है तो मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बाहर छत भी जो है ना मैंने वो भी आज क्लीन करनी है, उसे धोना है, और उसके बाद घर की बाकी जो सफाई रह जाएगी वो भी करूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, सिंपल से पराठे बना रही हूँ सिर्फ घी लगाकर। और उसके बाद जो है नाश्ता कर लूँगी, फिर मैं हस्बैंड के लिए भी नाश्ता लेके जाऊँगी नीचे शॉप में, क्योंकि वो शॉप में होते हैं और सुबह नाश्ता भी उनका शॉप में होता है। और फिर वो नाश्ता कर लेते हैं और साथ में मैं उतनी देर शॉप को देख लेती हूँ, वो स्कूल से बैठ कर अपना नाश्ता करते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि धूप आ जाएगी, धूप में काम करना बाहर मुश्किल होता है, तो धूप आने से पहले पहले मैं बाहर से सारा काम अपना फिनिश कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैं फर्श जो है ना धो रही थी, और धोने के बाद मैं ले जाऊँगी नीचे नाश्ता हस्बैंड के लिए, और उसके बाद बाकी सारी रूम्स वगैरह साफ़ करूँगी। और सर्दियों में जो है ना इतना ज़्यादा सफाई का काम नहीं होता जितना कि गर्मी में होता है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर रात को हवाएं चलने लग जाती हैं, आंधी आ जाती है, तो जो मिट्टी का तूफ़ान है ना वो सारा काम जो है ना और बढ़ा देता है, तो सफाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद जी मैं आ गई नीचे शॉप में खाना लेके, और शॉप में आके मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि कभी कोई आ रहा होता है शॉप में, कभी कोई, तो फिर जो है वीडियो बनाना जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। बाकी जो है मैं व्लॉगिंग अपने घर में ही करती हूँ सारी। और ये हमारा जो है ना गांव है, तो फिर गांव के लोग आपको पता है पसंद नहीं कर रहे होते ज़्यादातर ये सब चीज़ें कि व्लॉगिंग वगैरह या वीडियो वगैरह बनाई जाए। तो गांव में जो है ना व्लॉगिंग वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, और गली मोहल्लों में आपको पता है फिर किस तरह का माहौल होता है, तो लोग पसंद नहीं करते। इसलिए जो है ना मैं नीचे जब स्टोर में जाती हूँ तो मैं बहुत ही कम जो है ना व्लॉगिंग करती हूँ या वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी, ये वाईफाई राउटर लिया था हमने न्यू, हस्बैंड ने मंगवाया था, और पहला जो था वो बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा था, तंग कर रहा था, तो इन्होंने सोचा कि अभी चेंज कर लेते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरत भी है, और हमारा तो काम भी नेट पर है आपको पता ही है। और मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसकी अनबॉक्सिंग जो है ना मैं शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सब चीज़ें इसमें से जो है ना निकली हैं, और एक चार्जर भी है जो कि होता है हर राउटर के साथ। और आजकल जो कि नेट का दौर है तो हर घर में ये होता ही है, और हमारे गाँव में भी जो है ना ये अब आ चुका है
यानी कि वाईफाई जो है ना नेट आ चुका है गांव में भी, तो हमें अब जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा मसला होता है फिर भी नेट का, वो सिग्नल वगैरह का और कुछ ना कुछ इशू बना रहता है गांव में, लेकिन फिर भी जो है ना अभी बेहतर है और दौर ही नेट का है और हमारा तो काम है आपको पता ही है नेट पर, तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए ये जो है ना हमने मंगवाया था। और जी मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग के बाद इसमें से क्या क्या चीज़ें निकली हैं और आपके साथ मैंने सारा शेयर कर दिया, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरत होती है सबको जो कि नेट को यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये मैं शेयर करूं। और जी ये सारा खाना वगैरह करने के बाद सुबह का नाश्ता भी हो गया था और मैंने आपके साथ राउटर की अनबॉक्सिंग भी शेयर कर दी और उसके बाद जो है ना मैं घर की बाकी सफाई में लग गई थी, तो सारा जो है ना मैंने सफाई वगैरह कर ली है, रूम सेट कर दी है और ये हैं जी चारपाइयाँ जो कि गांव के हर घर में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी और गाँव वालों का जो है ना इनके बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में बाहर सेहन में या छत पे जहाँ भी सोना हो तो चारपियाँ बहुत काम आती हैं, चारपियाँ तो लाजमी होती हैं हर घर में, गांव में किसी भी घर में आप एंटर होंगे तो सबसे पहले जो आपको चीज़ नज़र आने वाली होगी वो चारपाइयाँ ही होती हैं, तो हमारे घर में भी हैं और हमने इस तरह से जो है ना हॉल में भी सेट की होती हैं। और रूम जो है मैंने दोनों साफ़ कर दिए हैं, किचन का काम भी फिनिश हो चुका है। और यह है जी दोपहर का टाइम, तकरीबन 1:30 का टाइम है, तो यहाँ पे मैं जो है ना फालसा का शरबत बना रही थी, फालसा पड़ा हुआ था तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि कुछ जो है ना शरबत वगैरह बना के दो, तो फिर मैंने सोचा कि फालसे का ही शरबत बना देती हूँ, तो फालसे को धो के मैं इसमें डाल रही हूँ और इसके अलावा मैं इसमें शुगर डालूँगी और फालसा बहुत ही ज़्यादा तुर्श होता है, खट्टा बहुत ही ज़्यादा होता है, तो चीनी जो है मैं ज़्यादा डालूँगी इसमें ताकि जो है ना इसका खट्टापन कम हो जाए और पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना खट्टा पानी मैं नहीं पी सकती हूँ, मुझसे नहीं पिया जाता, तो उसके बाद जो है मैं इसमें काला नमक और पानी डाल दूँगी और थोड़ी सी आइस भी डाल दूँगी और इसको जो है हम मशीन को चला देंगे। और गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त रहता है फालसे का जूस या फालसे का शरबत, तो कुछ लोग जो है इसमें जामेश्वरी रूहअफ़ज़ा वगैरह भी डाल लेते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि वो तो वैसे भी हम जो है ना शरबत बना रहे होते हैं जामेश्वरी या रूहअफ़ज़ा का, तो फालसे के शरबत में मैंने वो नहीं डाला। और अभी जी इसको जो है ना हम इस छलनी की मदद से जो है ना छान लेंगे, क्योंकि वैसे नहीं पिया जाता जितनी देर इसे जो है ना स्ट्रेन ना कर लिया जाए, तो इसकी मदद से जो है मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ और उसके बाद ये भी मैं नीचे शॉप पे ही हस्बैंड को दे आऊँगी। और ये रे जी ठंडा ठंडा शरबत हमारा तैयार है और गर्मियों में दोपहर के टाइम ये बहुत ही मज़े का लगता है, ये शरबत अगर हम पिए फालसे का और ठंडा होता है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है। और उसके बाद जी ये है शाम का टाइम और सूरज जो है ना ग़ुरूब हो रहा है और किचन की विंडो से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, तो किचन की विंडो से जो है ना सूरज ग़ुरूब होने का मंजर भी नज़र आ रहा होता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, सूरज ग़ुरूब भी हो रहा है और साथ साथ कहीं कहीं बादल भी हैं और रात के वक्त जो है ना बारिश भी हुई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाके वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मैं बना रही थी खाना तो सोचा कि आपके साथ ये व्यू भी शेयर करूँ, तो खाना जो है ना मैं बना रही हूँ आज चिकन, तो चिकन की ये रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने रेसिपी काफ़ी बार जो है ना शेयर की हुई अपने व्लॉग्स में, तो अगर किसी की रिक्वेस्ट होगी तो लाजमी शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं जो है ना बस आपको व्लॉग में दिखा रही हूँ कि आज हमने क्या बनाया था। और चिकन बनाया था, साथ जो है ना नान मंगाए थे, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसे नान बहुत ज़्यादा पसंद है चिकन के साथ,
चिकन जब भी बनता है हमारे घर में तो ईमान ने साथ नान ही खाना होता है, तो फिर हम जो है ना नान ही मंगा लेते हैं चिकन के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये सालन। और यहाँ पे जी बारिश स्टार्ट हो गई है, शाम अंधेरा जैसे स्टार्ट हुआ है बारिश भी स्टार्ट हो गई और बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम बन गया था। और बारिश जो है ना घंटा डेढ़ होती रही है, तो इसकी वजह से दो तीन दिन मौसम जो है ना बहुत ही प्यारा रहे, ठंडा ठंडा रहे और काफ़ी देर होती रही है बारिश। बहुत ही मज़े का मौसम बन गया था। और मैं आपको दिखाती हूँ टेरेस वाली साइड से भी अंधेरा जो है ना होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त शाम का मौसम हो गया, ठंडा ठंडा। और ये देखें जी बिजली भी चमक रही है और बारिश लगातार हो रही है। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।